बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पागली डॉट कॉम डॉट इन। मेरा नाम मोहम्मद अस्लान है। आज हम जिस गाड़ी का वॉकराउंड लेके आए हैं वो है मर्सिडीज एस क्लास S400। बेसिकली जो S400 है वो हाइब्रिड वेरिएंट है। मर्सिडीज ने जो है W222JC जो 2013 एस क्लास जो है लॉन्च की थी। एस क्लास S400 जो हाइब्रिड है बेसिकली 6th जनरेशन है जो कि एस क्लास सीरीज की तरह आती है। जहां तक इसकी प्राइस का ताल्लुक है तो उस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर जो है नियर अबाउट जो इसकी प्राइस है तकरीबन 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए है। बेसिकली ये जिस गाड़ी जिस शोरूम पे उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कार कैसल जो है मौलाना शौकत अली रोड लाहौर में जो ये शोरूम है वहां पर ये गाड़ियां खड़ी है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। न्यू एंड यूज कार डील को काम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है मर्सिडीज बेंज एक वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप इनकी डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन और पाकिस्तान करेंसी रुपी की डेप्रिसिएशन की वजह से इस गाड़ी का रेट जो है काफी अप जा चुका है। तो व्यूअर्स जहां तक S400 के फ्रंट हेड नोज का ताल्लुक है तो आप लोग देख सकते हैं वाइड एंगल सिग्नेचर स्टेयरिंग जो है इसकी ग्रिल है और इसी के साथ साथ जो है काफी क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल किया गया फ्रंट हेड के अंदर। जहां तक इसी ग्रिल और सेंटर बोनट के अंदर जो इसका मोनोग्राम जो पॉपअप है वही इस गाड़ी की जो शान को ज्यादा बढ़ाता है। जहां तक इसके हेडलैम्प का ताल्लुक है तो डे टाइम रनिंग लाइट प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑटो कंट्रोल के साथ जो इसके अंदर अवेलेबल है। फ्रंट बम्पर के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर और टोइंग हुक के साथ आपको गाड़ी मिलती है और इसी के साथ नीचे जहां तक फॉग लैंप की जगह उसके अंदर जो है इसकी एयर कट्स मौजूद है। रेडिएटर ग्रिल जो इसकी वाइड एंगल नोज के साथ है उसके अंदर भी एयर कट्स है जो कि इस गाड़ी को एरो रखने में कट्स करने बनाती है। फ्रंट हैंडलैम्प में लेटेस्ट डिजाइन आफ्टर मार्केट जो मॉडिफिकेशन के साथ जो अक्सर लोग गाड़ी के अंदर वर्कआउट कराते हैं उसी तरह इसके अंदर जो है बाई डिफॉल्ट कंपनी ने साइड टर्निंग बल्ब्स और डेटिंग रनिंग लाइट्स की पोजीशन रखी है। जहां तक इसके इंजन का ताल्लुक है जो कि हाइब्रिड फंक्शन के साथ आपको मिलता है, इंजन जो है इसमें 6 सिलेंडर आपको मिलता है 3498 cc का। हॉर्स पावर भी आपको 306 hp प्रोड्यूस करता है 6500 rpm के ऊपर। जहाँ तक टॉर्क का ताल्लुक है तो आपको 370+255 Nm का देता है एट 3500 और 5250 rpm पे। एक्सेलेरेशन 0-100 जो किलोमीटर पर आवर है 16.8 सेकंड है। टॉप स्पीड 250 km/h आपको मिलती है। गाड़ी का जो बूट है काफी हाई बिल्ड क्वालिटी के अंदर है। इसी के अंदर जो साइड पर जो है दो इसके हाइड्रोलिक शॉक्स आपको मिलते हैं। गाड़ी के जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है हाइब्रिड के और इंजन के फ्यूल्स के ऑलमोस्ट आपको इसके फ्रंट हुड अंडर द हुड ही आपको मिलते हैं। 6 सिलेंडर इंजन है, टाइप पेट्रोल है, वैल्यू पर सिलेंडर 4 है और कंप्रेशन रेशियो जो है वो इसका 12.0 आपको मिलता है। अगर हम मर्सिडीज S400 का साइड लुक के तालू की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमारी इसकी नजर पड़ती है वो इसके अलाइनिंग पे और इसके टायर्स पे जो कि इसके बड़े शानदार बाय डिफॉल्ट कंपनी के जो है मिलते हैं और इसी के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो जबरदस्त इसके अंदर जो मर्सिडीज बेंज के जो डिस्क ब्रेक कैचर लगे हुए हैं और डिस्क ब्रेक की जो पोजीशन बनाई गई है वो बड़ी शानदार है। इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो टायर साइज आता है 245/45R19 आता है जो कि आप आफ्टर मार्केट 20 का भी लगवा सकते हैं और बाय डिफॉल्ट अक्सर वेरियंट के अंदर 18 का भी आता है। बट इस वक्त जो करंट मॉडल है हमारे सामने है जिसका हम रिव्यू लेके हैं उसके अंदर जो टायर साइज है 245/45R19 है। AMG मोनोग्राम के साथ जो है इसके आपको अलाइनिंग मिलते हैं। अगर हम साइड लुक में चले तो साइड मिरर्स के अंदर जो है साइड टर्निंग बल्ब मिलते हैं और उसी के नीचे जो है आपको इसके कैमरा भी मिलता है जो कि बेसिकली जो है इसके 360 व्यू के अंदर भी गाड़ी का कैमरा आपको नजर आता है जिससे आपको ये आसानी होती है गाड़ी की पार्किंग करनी किस तरह है। अगर हम साइड हैंडल्स और साइड डोर्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो है क्रोम का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। स्मार्ट एंट्री जो है इसके चारों दरवाजों में आपको मिलती है, कीलेस एंट्री बेसिकली तो है ही है। गाड़ी की साइड लुक और क्योंकि लॉन्ग व्हील है कार तो इसकी जो लुक है वो आपको बड़ी जबरदस्त लगती है। जहां तक मर्सिडीज S400 के रूफ का ताल्लुक है तो पैनोरामिक सनरूफ के साथ आपको मिलती है जो कि ड्यूल सनरूफ में आती है। फ्रंट पैसेंजर्स के लिए अलग कंपार्टमेंट इसका सनरूफ ओपन होता है, रियर के लिए अलग और क्योंकि स्पोर्टी जेट ब्लैक शाइनिंग के साथ जो है इसका रूफ बाय डिफॉल्ट कंपनी से आता है जो कि इसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा इन्हांस करता है। चारों व्हील में ही आपको डिस्क ब्रेक वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक लेटेस्ट फैसिलिटी के साथ इसकी जो है ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। S400 क्लास को जो है वो इसके रियर साइड से आपको दो चीजों से ही पहचान हो सकती है क्योंकि जिसका रियर लैम्प है उसके अंदर आपको 3 बार जो है वो ब्रेक लैम्प मिलता है और उसके अलावा आपको इसके बूट पे इसकी हर क्लास का अलग मोनोग्राम मिलेगा और इसी तरह एस क्लास में ही आपको रिवर्स लैम्प का ही ऑप्शन दिया गया है। तो ये दो चीजें जो है रियर लैम्प 3 बार रिवर्स लाइट का तो ये इससे ज्यादा आप जल्दी आसानी से इसको पहचान सकते हैं। बूट में आपको हाइब्रिड का लोगो मिलता है, उसी के साथ आपको मर्सिडीज का मोनोग्राम मिलता है और S400 का मोनोग्राम मिलता है। टेल लैम्प बड़े शानदार और वाइड एंगल के साथ इसके बनाए गए। रियर बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो इसका एयर डिफ्यूजर है जो रियर साइड में लगता है वो बड़ा जबरदस्त है
और रिफ्लेक्टर के साथ खुलता है और इसी के साथ कोई होप भी आपको मिलता है। जहां तक इसके बूट का ताल्लुक है तो आप इसी की के साथ भी इसका बूट ओपन कर सकते हैं। बूट जैसे ही ओपन होगा तो बूट की अपनी लाइट्स भी है इसके अंदर। बूट के अंदर काफी जो है लगी स्टोरेज आपको मिलता है, उसी के साथ जो है बूट के अंदर ही आपको दो पॉकेट होल्डर्स भी मिलते हैं। बूट के अंदर आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता, ना ही कोई पंचर किट मिलती है, जो कि आप इसका एक्स्ट्रा पेमेंट करके पाकिस्तान के अंदर जो इसके मर्सिडीज के जो डीलर है आप वहां से ले सकते हैं। रियर में आपको शार्पन एंटीना, ब्रेक माउंट लैंप, डिफ्यूजर और ट्रंक का आपको स्मॉल स्पॉइलर मिलता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको हर दरवाजे पे जो है स्मार्ट एंट्री मिलती है। जहां तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो हर दरवाजे के अंदर जो है इसके मिरर कंट्रोलर और इसी के साथ जो है 5 वेंट्स का जो है कर्टन भी इलेक्ट्रॉनिक के साथ आपको मिलता है। गाड़ी के अंदर चारों शीशे पावर के साथ है और इसी साथ चारों और पिछला पांचवा जो इसका रियर विंड स्क्रीन है उसके अंदर जो है कर्टन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आपको साथ मिलता है, जिसका कंट्रोलर आप देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर चारों दरवाजों के अंदर फीटर भी इंस्टॉल किए गए हैं। इंटीरियर के अंदर जो है इसकी चारों सीटें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के साथ आपको मिलती है। रियर में रियर एसी वेंट्स अलग आपको मिलते हैं। इसी तरह रियर में जो इसके सीट्स के आर्मरेस्ट है वो भी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के साथ मिलते हैं। गाड़ी की सीटिंग कुशन बहुत सॉफ्ट है। इस तरह गाड़ी के अंदर बुक शेल्फ भी जो है आपको रियर साइड में मिलता है। गाड़ी की जितनी भी सीट्स है वो मैग्री कंट्रोलेबल के साथ है, कूलिंग एंड हीटिंग के साथ आपको मिलती है। रिक्लाइनिंग आपको जो है फोर वे एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ है और मेमोरी कंट्रोल के साथ होती है। गाड़ी के हेडरेस्ट भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ आपको मिलता है। डोर लॉक डोर ओपन का जो है वो हर दरवाजे के अंदर अलग बटन इंस्टॉल किया गया है। जहां तक गाड़ी के इंटीरियर का ताल्लुक है, फ्रंट हेड में आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो है 6 AC के वेंट्स आपको फ्रंट में मिलते हैं, जिसके अंदर वो ब्लैक और क्रोम का काफी इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर काफी ज्यादा है, इसके अंदर एयर बैग की तादाद भी अच्छी खासी दी गई है। गाड़ी के अंदर जो है आपको 2 LCD यूनिट्स मिलते हैं, जो कि एक जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है, दूसरा मीटर क्लस्टर है। एसी वेंट्स के नीचे ही आपको इसका क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। सेंटर कंसोल के अंदर जितने भी इसके बटन है जिसको जो इसके LCD यूनिट्स को कंट्रोल करते हैं और उसी के साथ साथ जो हैजर्ड कंट्रोल और बाकी तमाम जो इसके फंक्शन है गाड़ी के मॉड्स को, वो भी कंट्रोल यहीं से होते हैं। इसी तरह आप ड्राइवर डोर के अंदर भी देख सकते हैं आपको मेमोरी कंट्रोल जो है वो सीट्स मिलती है, लंबर स्पोर्ट्स मिलती है, डोर लॉकिंग ऑप्शन का भी मिलता है, साइड में कंट्रोलर का भी ऑप्शन मिलता है और मैनुअली और सिंगल बाय सिंगल जो है इसके साइड में रिटेक्टेबल का भी आपको ऑप्शन मिलता है। बूट ओपन करने का ऑप्शन भी आपको ड्राइवर डोर में ही मिलता है। गाड़ी के ड्राइवर साइड से अगर हम एंट्रेंस में देखें तो आपको जो है डैशबोर्ड के जो स्टार्टअप में ही इंजन पुश स्टार्ट ऑफ, इंजन ऑन ऑफ का बटन मिलता है, 360 व्यू कैम का मिलता है, पार्किंग लाइट्स ऑन ऑफ का मिलता है, इसी तरह ऑटो पायलट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ उसके नीचे जो है आपको लाइट से कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, क्या आप उसको ऑटो फंक्शन पे करना चाहते हैं आया उसको मैनुअल पे करना चाहते हैं। जहां तक इसके स्टेरिंग का ताल्लुक है तो इसका स्टेरिंग जो है वो सिग्नेचर क्लास स्टेरिंग है। इसके अंदर पैडल शिफ्टर, मल्टीमीडिया कंट्रोल और एयरबैग का मोनोग्राम भी आपको मिलता है। इसका स्टेरिंग वुडन और लेदर ट्रिम दोनों ऑप्शन में आपको नजर आएगा। स्टेयरिंग के अंदर जो राइट साइड की ऑप्शन है वहीं पे इसके जो आपको गियर असेंबली मिलेगी, जो कि इसकी स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और पार्किंग है, जो कि 7 स्पीड जो है गियर शिफ्टर के साथ आपको मिलता है। इसी के साथ ड्राइविंग के ही उसी गियर्स के ऑप्शन के साथ ही आपको पैडल शिफ्टर का भी ऑप्शन मिलता है। दूसरी साइड पे आपको इसके जो है वाइपर कंट्रोल, स्टीयरिंग सेटिंग और क्रूज कंट्रोल ऑप्शन का भी आपको सिस्टम मिलता है। वैनिटी मिरर्स आपको दोनों साइड से मिलती है और इसी तरह रियर में भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है। सेंटर कंसोल के अंदर ही जो आपको इसकी क्लॉक नजर आ रही है, इसी चीज से इंस्पायर होकर सुजुकी ने सुजुकी सियाज के अंदर भी तारीफ कराई थी। जैसे आप इसका इंजन पुश स्टार्ट ऑन ऑफ करते हैं तो इसकी जो डुअल सीरीज मैंने आपको बताई है, जिनमें से एक जो है इसका मीटर क्लस्टर है, जिसके अंदर RPM स्पीडोमीटर 220 का और इसकी जो डिजिटल स्पीडोमीटर, तमाम इंजन के स्पेक्स, जिसके अंदर जो है हीटिंग गेज, गियर ऑप्शन, चार्ज, फ्यूल परसेंट, रेडी, इसके तमाम फीचर जो है आपको इसके सेंटर में रखते हैं। और दूसरी LCD यूनिट के अंदर जो है इस गाड़ी का जो है बाकी तमाम फीचर आते हैं, जिसके अंदर ट्रैक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, बाकी तमाम ट्रिपिंग आप देख सकते हैं। बैटरी की परसेंटेज भी आपको बताता है कितने परसेंट चार्ज है, कितने परसेंट आपके भी रहती है रिमेनिंग। ई ड्राइव और पेट्रोल दोनों ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है। फ्रंट कैम जो है रिकॉर्डिंग के साथ आपको DVR के साथ ये गाड़ी ऑप्शन मिलती है। जहां तक इसे साइड टर्निंग का ताल्लुक है, जैसे आप गाड़ी का जो है स्टीयरिंग टर्न करेंगे ऑटोमेटिक ही इसका जो है इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि S400 के अंदर ही जो आपको ड्यूल सनरूफ मिलता है, जो कि पैनारोमिक के अंदर होता है, जिसके अंदर जो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग सनरूफ है, रियर में जो रियर पैसेंजर्स के लिए है वो अलग सनरूफ है। तो व्यूअर्स, ये था मर्सिडीज S400 S-Class का रिव्यू। इसकी तमाम डिटेल, अगर आपको इसकी प्राइस और अगर आपको यूज्ड या न्यू गाड़ी लेनी है तो
तो आप नीचे जो है कार कैसल के कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसके ब्रांड न्यू शोरूम के कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए तो नीचे मर्सिडीज पाकिस्तान की जो वेबसाइट का लिंक है वो भी लगा दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पाक डील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।